हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला एडुकेशन जी के। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड के प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि निर्भया के दरिंदों को 22 जनवरी 2020 को फांसी देने का प्रावधान हुआ है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि 7 साल 22 दिन बाद सजाए मौत की तारीख और समय कैसे निर्धारित हुआ? इतना लंबा समय कैसे लग गया? क्या वो प्रोसेस थे जहाँ तक 7 साल लग गए? इसी को चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी और आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार मृत्युदंड की क्या प्रक्रिया है? दोस्तों, भारत में दुर्बलतम, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जाती है। सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो सेशन जज को अपने फैसले में ये लिखना पड़ता है कि मामले को दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यही इम्पोर्टेंट है, क्यों माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बहुत घिनौने तरीके के अपराधों में ऐसी सजा दी जाती है। जो मामले बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं उसके मामले में ही यह मौत की सजा दी जाती है। जैसे निहत्थे बच्चों महिलाओं के साथ किए गए बेहद क्रूर अपराध, जिसके तहत माने जाते हैं। लेकिन सेशन जब मृत्युदंड की सजा सुना दे तो भी इसे तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि हाई कोर्ट की अपील में मंजूरी ना मिल जाए। यानी कि एक दोहरी व्यवस्था कायम की गई है। मतलब अगर आपको सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया गया है तो आप उसको वैध नहीं मान सकते हैं जब तक कि वह उसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। किसी की मौत की सज़ा तभी मिल सकती है जब सेशन कोर्ट भी उसे उस मामले को द रेयर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माने और उसके बाद हाई कोर्ट में भी मामले को यही मानकर सजा दें। दोस्तों, निचली अदालत में मृत्युदंड दिए जाने के बाद उसके खिलाफ अपील की क्या प्रक्रिया है? अगर मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट में मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? सीधी बात है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में अपील करने को रिफरेंस कहते हैं। रेफरेंस के दौरान दो जज सभी सबूतों को देखते हैं। अगर ये दोनों जज मानते हैं कि ऐसा जुर्म हुआ है जिसके लिए मृत्युदंड के अलावा कोई दूसरी सज़ा काफ़ी नहीं है, तभी मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अभियुक्त हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अगर आप किसी अभियुक्त को सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने भी दोषी दिया है, मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रखा है, तो आप उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से बड़ी सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील करने के क्या क्या रास्ता बचते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला अभियुक्त के खिलाफ हो तो अभियुक्त राज्यपाल राष्ट्रपति से मृत्युदंड माफ करने की अर्जी दी जा सकती है और जब तक इस अर्जी पर फैसला ना आए दोषी को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। मृत्युदंड की सज़ा माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा को माफ कर सकते हैं। साथ ही जिस राज्य की अदालत ने मौत की सज़ा दी है वहां के राज्यपाल के पास भी माफी देने का कानून अधिकार है। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड कैसे दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिशा निर्देश तय किए हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को मौत सजा दी जा रही है, उसके रिश्तेदारों को कम से कम 10 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर उनसे मिल सकें। और यह भी व्यवस्था दी गई है कि सजा पाने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सकें। तो दोस्तों, यह रही
भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड की प्रक्रियाओं के बारे में कि मृत्युदंड का कितना लंबा प्रोसेस है, इसलिए निर्भया के दरिंदों को 7 साल 22 दिन लगे सजाए मौत की तारीख तय करने में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर।